दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। अगर आज हम इंटरनेट को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं तो उसके पीछे इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स का ही हाथ है, क्योंकि जो पूरा का पूरा डेटा ट्रैवल होता है वो इन्हीं फाइबर्स के थ्रू ट्रैवल होता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि कभी अगर फाइबर्स बीच से टूट जाती हैं तो इन्हें किस तरीके से स्प्लाइस किया जाता है या फिर जोड़ा जाता है। आज आपको मैं इस वीडियो में यही एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ कि कभी अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बीच से टूट जाएँ तो उन्हें किस तरीके से हम स्प्लाइस करते हैं या फिर किस तरीके से जोड़ते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये दो फाइबर हैं अपने पास में, इनको हमें जोड़ना है। और इनको जोड़ने के लिए हम पहले एक एक फाइबर को हम छीलेंगे। छीलने के लिए अब नाइफ से हम इनको छीलते हैं। ये इनकी लगभग एक फीट या डेढ़ फीट हाइट होना चाहिए, जिनको हम छीलेंगे इस प्रकार से। ये छीलने के बाद में इसमें से हमें एक वाइट कलर की FRP निकलती है। वाइट कलर की FRP और उसके अंदर एक ये फाइबर रहती है। FRP को हम काट देते हैं, ये कोई यूज की नहीं है। अच्छा, ये FRP क्यों रहती है फाइबर में? ये सपोर्ट के लिए रहती है, केबल का सपोर्ट करती है ये, ताकि फाइबर बेंड ना हो सके। हाँ, है ना, फाइबर बेंड ना हो सके, सीधे के लिए रहती है। अच्छा, और ये अभी आप क्या, ये इससे क्या कर रहे हो? ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर है, हम फाइबर को साफ साफ करेंगे। इसके लिए जेली होती है। अच्छा, ये जेली है, ये इस तरह से लगा के इसको जेली को यूं साफ करेंगे। ये देखो जेली आ गई सामने, ये जेली होती है, ये साफ हो गई। अब इसको हम जॉइंट बॉक्स में डालेंगे। ये इसको इस तरह डाल के, ये हमारा केबल का JC बॉक्स है, इसके अंदर हम केबल को जोड़ेंगे। ओके, इसको डाल दिया, ये इसको ड्राइवर से पर हम कर देते हैं। ये कस दिया, सेम इसी प्रकार हम अपनी दूसरे एंड को भी इसी प्रकार काटेंगे और इसी प्रकार साफ करके इसको डालेंगे, कनेक्ट करेंगे। चलो मशीन निकालो। अब ये बॉक्स के अंदर फाइबर तैयार हो गया। अच्छा, ये मतलब आपने बॉक्स तैयार कर लिया है। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, जब हम फाइबर केबल को छील लेते हैं तो उसके अंदर से ये मेन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स निकल के आती है, जो आप अलग अलग कोर में आपको दिखाई दे रही हैं। ये 12 है, फिलहाल ये 12 कोर की फाइबर है, इसलिए इसके अंदर आपको 12 ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। ये सारी कलर कोड्स में डिवाइड रहती हैं, अलग अलग कलर्स की सारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। अब इन फाइबर केबल्स को एक एक करके हमको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए हम यहाँ पे स्प्लाइसिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लाइसिंग मशीन आप नीचे देख सकते हैं, ये एक आर्क स्प्लाइसिंग मशीन है। तो एक एक करके फाइबर को हम जोड़ने जा रहे हैं अभी। अच्छा, फाइबर को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन? फाइबर को जोड़ने के लिए पहले हम इन फाइबरों को थोड़ा थोड़ा छीलते हैं। ठीक है, फाइबर को छीलने के लिए ये स्टीपर का यूज किया जाता है। हाँ, स्टीपर को अपन ऐसे रखते हैं इस प्रकार से, और ऐसे धीरे से साफ कर देते हैं। और ये वाइट टिश्यू पेपर होता है, इसके ऊपर अपन को ऐसे रखना है, और ये प्योर अल्कोहल होता है, इसको थोड़ा सा उसके ऊपर डाल के। अच्छा, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ना, और इसको फिर ऐसे अपने टिश्यू पेपर की मदद से साफ करते हैं। अच्छा, तो ये जो मतलब उसको जो अपन शुरू करते हैं, इसकी कोटिंग साफ हो चुकी है। ओके ओके, देन अपन इसको फाइबर कटर के ऊपर रखेंगे, कट करेंगे। ये कट गया। अच्छा, ये कट गया। अभी ये मशीन में रखेंगे इसको, अपन स्लाइसिंग मशीन के अंदर। अच्छा, दूसरे जो केबल है दूसरे एंड का, उसमें भी सेम कलर को लेंगे। हाँ, सेम कलर।
ये अलग अलग करना ही सेम कलर जो होते हैं। ये इस तरफ ब्लू कलर है, हम भी यहाँ पर भी ब्लू कलर को छीलेंगे, साफ करेंगे और इसमें एक सपोर्टिंग स्लिप भी रहती है, स्लिप भी डालनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, तो ये स्लिप को अपन पहले वाले जो जो छीला था उसमें भी डाल सकते हैं? किसी में भी डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं, वो डरना एक ही है। ये टिश्यू पेपर की द्वारा फिर से हम साफ करेंगे। ये जो आपने जिससे काटा है इसको क्या बोलते हैं? डायमंड कटर। डायमंड कटर बोलते हैं, कांच वाले फाइबर को काटता है। अच्छा, अगर आप दोनों फाइबर रख के इसको क्लोज करेंगे और इसको दबा देंगे, यहाँ पर ये फाइबर यहाँ पास में जुड़ जाता है, स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, ये स्क्रीन पे फाइबर दिख रही है? फाइबर दिख रही है, जुड़ रही है, ये जुड़ गई, ये जुड़ गई फाइबर है ना। ओके, हो जाएगी अपने आप। ठीक है, फाइबर जुड़ने के बाद फिर क्या करना होता है? वापस निकालेंगे उसको। फाइबर जुड़ गई है जैसा कि आप दिख रहा है। हाँ हाँ। इसके बाद हम यहाँ पर रिसेट बटन दबाएंगे। ठीक है, ये हमने रिसेट बटन दबाएंगे और फिर हम ये जो स्लिप डली हुई है इसको हम इसे हाथ में ले लेते हैं। हाँ। और फिर इसको अपन ओपन करेंगे। ठीक है, वन बाय वन ये ऐसा ओपन करेंगे, ये ओपन करेंगे, और ये जो ज्वाइंट आया है अपना इसके ऊपर अपन ये स्लिप को लेके आएंगे ऐसे। ये ठीक है, स्लिप को ऐसे रख, ऐसे करने के बाद इसके ऊपर हीटर में इसके अंदर ऐसा लग जाता है। अच्छा, हीटर में डालने से क्या होता है? हीट हो जाता है, डालने से ये स्लिप जो रहती है वो हीट हो जाती है। हाँ हाँ। और फिर वो जॉइंट से इधर उधर नहीं खिसक। अच्छा, मतलब जॉइंट में एक बार जब वो हीट होकर चिपक जाती है तो फिर स्लाइड नहीं होती आगे। ठीक है, ये फिर हम हीटर मोड को ऑन कर देंगे। ओके, जिससे ये फाइबर जुड़ जाएगी। और अभी इसी तरीके जितने भी कलर थे सभी के सभी कलर को एक एक करके जैसा कि हमने अभी ब्लू कलर जोड़ा है ऐसा ही हम ये सारे पूरे 12-11 कलर और जोड़ेंगे। ठीक है, जब भी आप देख रहे हैं ये हीटर मोड ऑन है, फाइबर यहाँ पर जुड़ गई। अच्छा, जब तक फाइबर हीट होती है उसी टाइम पे हम चाहें तो दूसरे फाइबर को भी रेडी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना, जैसे वो हो रहा है और दूसरी भी चालू कर सकते हैं। पहले आप देख लेते हैं ये फाइबर कैसे हीट, ये भी आवाज आ रही है। हाँ। ये मशीन इसको हीट कर चुकी है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये फाइबर मतलब जुड़ चुकी है अभी। ओके, ये आपने अलग कलर ले लिया। ठीक है, वायर स्ट्रिपर से इसको फाइबर को स्ट्रिप कर दिया। अभी अल्कोहल से क्लीन करोगे इसे? ये आप थोड़ा सा इसको फ्रंट करके दिखाओ ना कैसे कटता है। हाँ, ये इसमें इस तरीके से फाइबर को रखते हैं और उसके बाद इस तरीके से प्रेस कर देते हैं। ठीक है, और बिना कहीं पे टच किए फाइबर को मशीन में रखना होता है। रखना है ये। ठीक है, मशीन का काम हो गया अभी। अच्छा, अभी जो आप ये बताने जा रहे हो ये कौन सा, इसको क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग बोलते हैं ये? हाँ, ड्रेसिंग करेंगे अब हम इस फाइबर की।
जिससे ये फाइबर आपस में कभी टकराएंगे नहीं और डैमेज भी नहीं होंगे। इसके लिए हम ये डबल टेप का यूज करेंगे। ये डबल टेप होता है। डबल टेप मतलब ये दोनों तरफ से चिपक सकता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लेंगे डबल टेप। हाँ, और इस डबल टेप को यहाँ पर उंगली से प्रेस करेंगे, दूसरा वाला निकाल लेंगे। ठीक है, इसको अच्छा जो भी आपने फाइबर को स्प्लाइस किया था एक एक करके उस डबल टेप के ऊपर रख देना है ताकि वो चिपक जाए और हिले नहीं वहां से। ये वाइट टेप है। हाँ, इस वाइट टेप के मदद से इन फाइबर को चिपका ताकि फाइबर अपनी जगह से हिले ना। वाइट टेप का इस्तेमाल करना जरूरी होता है क्या? हाँ, अच्छा जिन फाइबर्स को अपन ने जोड़ा नहीं है उनको बिल्कुल फोल्ड करके बॉक्स के अंदर ही इस तरीके से रख देना है। एक और आपने टेप लगा दिया ताकि जो बाकी की फाइबर्स है अपनी जगह से हिले ना, है ना? ठीक है, टेप से क्या करोगे आप? टेप से इसके ढक्कन को अपन पैक कर देंगे। तो ढक्कन में तो स्क्रू भी लगता होगा ना? स्क्रू भी लगाते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से अपन टेप भी लगाते हैं। अच्छा, स्क्रू अगर आप नहीं लगा रहे हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि अगर कभी जंग वगैरह लग गया तो? बरसात में खोलने में स्क्रू में जंग लग जाता है और जंग लगने से हमें खोलने में परेशानी होती है, इसलिए हम इस पर ब्राउन टेप का यूज करते हैं। ठीक है, अभी इस बॉक्स का क्या करोगे आप? टांग लोगे इसको? ऊपर टांग। ठीक है,